प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस रात्रि में, डेली डिवोशन में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम ब्लेस करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज के इस डेली डिवोशन में हम सभी भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह में एक संगति में आ रहे हैं, प्रभु की ओर से हम बहुतायत से आशीषित होने पाए और जो वचन परमेश्वर की ओर से प्रभु के दास के द्वारा आज बांटा जाएगा, हम उस वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आइए हम सर्वप्रथम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर के खुदावन, आपने अब तक हमें संभाला है पिता, धन्यवाद देते हैं। दिन भर प्रभु जी आपने अपनी सुरक्षा में रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन अपने अनुग्रह अपनी दया में प्रभु जी आपने हमें बनाए रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के इस डेली वर्षन में खुदावन यीशु राजा आपकी उपस्थिति होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई होने पाए, ताकि परमेश्वर की ओर से जो आने वाला वचन है उसके द्वारा पिता हम सभी भाई बहन आशीषित होने पाए। सारे सिस्टम को सारे अरेंजमेंट्स को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, विशेष तौर से प्रभु जी आपके बेटे आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी की देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता। प्रभु जी आपके दास का मुख हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। सारी इस आराधना सभा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावन कि जो पिता परमेश्वर आज कोल्ड कफ से पीड़ित है, लेकिन खुदावन हम जानते हैं जैसे प्रभु जी आपके वचन उनके द्वारा बांटा जाएगा खुदावन यीशु राजा, सारी बाधाएं सारे व्यवधान खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से हटने जा रहा है पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे और आप सभी भाई बहन भी हम साथ के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। Yeah.
परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो और अपने आप को खाली करें ताकि हम परमेश्वर के कलाम से अपने आप को भरने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंत का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। हम विशेष तौर पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जी हाँ, जैसे कि मिसेस डेविड ने शेयर किया कि आज सुबह से मेरी तबीयत नासाज है और लेकिन प्रभु का दिया हुआ समय मेरे लिए बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, मेरे लिए बहुमूल्य है, मेरे परिवार के लिए बहुमूल्य है, मेरे लिए एक अद्भुत चीज है क्योंकि जो परमेश्वर से वायदा है, जो वाचा है, जब परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक, जब परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक सब चीजों को मेरे और आपके लिए पूरा कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, तो मैं मनुष्य, जो मैं उसकी सृष्टि हूं, जो मैं बनाया गया हूं उसके लिए, तो मुझे भी अपने वायदे को पूरा करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, ये नहीं कि मैंने तो वायदे को तोड़ देना है। नहीं नहीं, मेरे प्रियो, खुदा कहता है जब उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो मुझे जीवन देने के लिए तैयार है, वो मुझे एक नई सृष्टि बनाने के लिए तैयार है, वो मुझे और आपको कहता है कि मैं तुम्हें किसी विपरीत हालात में ना पड़ने दूंगा। हालेलुया, सारी विपत्ति, कितनी सुरक्षा है, कितने वायदे, क्या मैं और आप एक वायदे को नहीं निभा सकते? तो मुझे चाहे आज मैं बहुत मेरी मतलब मैं परेशानी थी, बहुत कोल्ड कफ में, आप लोग जानते हैं अगर सेकंड डे है तो स्थिति ज्यादा खराब होती है, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझ जैसे पत्थर को इस्तेमाल करने के लिए खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, और मैं अभी तक बहुत ठीक रहा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने मुझे अब तक संभाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और आनंदित होइए। हालेलुया, हर बात में मुझे और आपको आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर के हर वायदे को मुझे और जब वो पूरा करता है तो मेरा और आपका क्या फर्ज है, चाहे कोई भी हालात हो, उन सारे हालातों में अपने खुदा से जो वायदा किया है, उसने मुझसे ये नहीं कहा कि हमने जब ये मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड ने और हमने जब 1 जून 2021 को ये आरंभ किया नाइट डिवोशन, तो प्रभु की अगुवाई में जब हमने उसे शुरू किया तो उस कांधे को या अपने कांधे पे उसके हल को रखा है, और परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर किसी ने हल को रख करके और पीछे मुड़कर देखा, समझ लीजिए खत्म कहानी। तो मुझे और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है क्योंकि परमेश्वर के मैं और आप सेनापति हैं। प्रेज द लॉर्ड, मैं स्वागत करता हूं जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए और मैं जिनको देख पा रहा हूं
हमारे आदरणीय पास्टर अरुण लॉन्गसन, पास्टर मुरादा पास्टर बेने जोसेफ साहब, बहन आलोक और भाई आलोक और सिस्टर रेनु दोनों हैं, और सुषमा सिस्टर का मैं स्वागत करता हूं, मेरी आदरणीय प्यारी बहन है, और सिस्टर इवलिन जो हमारे कैंपस में हमारे पास रहती हैं और डेली डिवोशन में डेली वो हमारे साथ रहती हैं। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इतने प्यारे भाई बहन, मेरे सीनियर भी, मेरे से छोटे भी और हमारे हम उम्र भी, सारे लोग मिलकर के जब हमारे साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ मिलकर के परमेश्वर के साथ आते हैं और डेली डिवोशन में आते, तो मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, मैं बहुत आनंदित होता हूं, बहुत आनंदित हूं, क्योंकि सारे लोगों का इकट्ठा होना ये परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जी हां, मेरा और आपका खुदा आज मेरे और आपके बीच उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। जी हां, और उसके वायदे, उसकी बातें अनहोनी है और अद्भुत है मेरे प्रियो। और यहां पर वचन निकालेंगे मत्ती 18 और उसका 18वां पद। प्रेज द लॉर्ड, ये मेरा पसंदीदा वचन है और इसको मैं रोज प्रार्थना में अपने परिवार के लिए और अपने लिए मैं क्लेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड सर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे कौमा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये वचन जो खुदा ने दिया है, इस वचन को मैं अक्सर पढ़ा करता था लेकिन मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन जब खुदा आपके सामने अपने वचन को रखता है और जब मैं और आप समर्पण के साथ उसके सम्मुख आते हैं तो वो अपने भेदों को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो अपने भेदों को खोलता है। मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। अब यहां पर ये वचन कह रहा है, किसने कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। अब कौन बांधेगा? कौन आपके निकट है? कौन आपके साथ संगति करता है? कौन ऐसा है जो, लेकिन वो कहता है कि जब दो लोग मिलकर, आने वाले पद में हम देखेंगे, वो कहता है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे, मैं और मेरी पत्नी। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये वचन ये कहता है कि दो व्यक्ति। अब ये दो व्यक्ति कौन से हैं, इसे जांच रहा है हमें। दो व्यक्ति कौन है, कौन से एक मन के हैं? और 19वें पद में हम चलेंगे, तब मैं इस बात को पूरा शेयर करूंगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदा के इस वचन के लिए। 18 और 19 पद मैं अपने ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर क्लेम करता हूं। हालेलुया। वो क्लेम रोज प्रार्थना में करता हूं मेरे प्रियो। क्यों? अब वो वचन कह रहा है कि जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। अब खुदा ने तो ये आपको दे दिया कि आप जो कुछ खोलना चाहेंगे स्वर्ग में वो खुल जाएगा और जो पृथ्वी पर खोलना पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब 19वां पद पूरा भेद खोलता है। वो क्या कहता है? यदि मैं तुमसे कहता हूं तुम में से दो जन। अब यहां पर विषय आता है कि दो जन कौन है, कौन सबसे निकट है? क्या मैंने और आपने जानने की कोशिश करी हम में से कौन निकट है एक दूसरे के?
कौन एक दूसरे की बात को जानता है, कौन एक दूसरे के मन को जानता है, और कौन ऐसा है कि दोनों के मन में एक बात आती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अब सवाल यहां ये उठता कौन है। वो है सबसे निकट के माँ बाप है, जिन्हें बच्चे हैं, नहीं, सबसे निकट पति और पत्नी है। प्रेज द लॉर्ड। दो व्यक्ति कौन है, पति और पत्नी। क्या आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना घुटनों पे करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या पत्नी अपने पति के साथ मिलकर परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के उससे बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं? यहां पर वचन कह रहा है, तुम में से, मैं फिर तुमसे कहता हूं कि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो पिता की ओर से पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, पति और पत्नी से ज्यादा निकट एक दूसरे के कोई नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है जिससे मैंने जोड़ा है वो एक एक है, एक है। हालेलुया। और पति और पत्नी से ज्यादा निकट कोई नहीं है मेरे प्रियो, दो जन वही है। तो इसलिए मुझे और आपको अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ मिल करके परमेश्वर के चरणों में आके घुटनों पर आकर के उससे बात करनी है। हालेलुया। और देखिए मेरे प्रियो, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो, मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। जब ये वचन खुदा ने हम पर रिवील किया और हमने इस वचन को जाना मेरे प्रियो, तो सच कहता हूं अद्भुत है ये जो ये रिवील हुआ है हमारे पर। और खुदा ने कहा कि दो व्यक्ति एक मन के, एक जगह के, किसी एक एक विषय पर ये सहमत होंगे, और सबसे निकट कौन है, पति और पत्नी। मेरे प्रियो, खुदा इस बात से खुश होता है कि जब दोनों जन मिल करके परमेश्वर के चरणों में आते हैं और परमेश्वर से बात करते हैं, देखिए घर में आशीषों के झरोखे खुल जाएंगे। जो आनंद आपको मिल रहा है वो परमेश्वर की ओर से मिलने लगेगा। आप नीचे वाचा बांधेंगे, अरे प्रभु हम दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी ये समस्या है प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। खुदावंद इसको खोल देना, इस समस्या से आपको निकाल देना। देखिए मेरे प्रियो, खुदा 100% आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे और आपकी, जैसे मैंने शुरू में कहा, मेरा और आपका खुदा वायदे का पक्का है। अगर उसने इसमें ये लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, तो वो खुलेगा। जी हाँ। लेकिन मैं और आप, हाँ मेरे प्रियो, आपकी पत्नी, आपका पति, क्या दोनों एक मन है? आज स्थिति यह है मेरे प्रियो कि पत्नी कहती है कि ये मेरा पैसा है, मैं कमा के लाई हूं, ये मेरे बैंक में रहेगा। पति कहता है ये मेरा पैसा है, ये बैंक में रहेगा, और हम दोनों समय समय अनुसार जो जरूरत होगी इस घर की उसको हम पूरा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा ये नहीं कहता, खुदा कहता दोनों एक मन एक चित्त होकर के इस परिवार की जिसकी स्थापना की गई है वो परिवार उनके द्वारा चल सके। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, आज पति और पत्नी में टकराव है, पति और पत्नी में दोनों में एक संगति नहीं है, इसीलिए परिवारों का विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में प्रेम नहीं है। और बहुत 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, एनिवर्सरी मना दी, और उसके बाद क्या हुआ, दोनों का तलाक हो गया। आप पेपर उठा के देखिए और बातों को देखिए, अपने आसपास के दायरे को देखिए, पता लग जाएगा मेरे प्रियो कि पति पत्नी में क्या है, क्या उनका गठबंधन है। अगर आपके बीच में परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो मेरे प्रियो आपका गठबंधन मजबूत है। प्रेज द लॉर्ड। अक्सर हमारे साथ होता है, मैं अपनी घर की गवाही दे देता हूं आपको, कि अक्सर हमारे साथ क्या होता है,
मैं कोई बात कहने जा रहा हूं, मेरी पत्नी ने उस बात को कह दिया, या मैं कोई बात करने जा रहा हूं, वो कर, कोई करने जा रही है और मैं बाहर से आया और मैंने आते ही एक बात कह दी कि अरे मैं यही सोच रही थी। प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने एक मन एक चित्त दिया है। हालेलुया, मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आज मेरे विवाह को 27 वर्ष हो चुके हैं और 28वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं 3 अक्टूबर को। हालेलुया, खुदा जब आपके बीच में होगा, खुदा का प्रेम आपके बीच में होगा, मेरे प्रियो सच कहता हूं कि आपके जीवन में आपका पति आपकी पत्नी एक गठबंधन के साथ हो। जी हाँ, ऐसे नहीं है। जीवन की कुछ बहुमूल्य बातें हैं और जब हम विवाह में बंधते हैं तो क्या होता है कि सारी तुम्हारी चीजें, दुनिया भी तुम्हारी, सब चीजें तुम्हारी है और मेरी सारी चीजें तुम्हारी है और तुम्हारी सारी चीजें मेरी है। लेकिन क्या होता है कि दोनों के चीजें ही अलग है। तुमने मेरी ये चीज पे क्यों हाथ लगाया? तुम्हारी ये चीज नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। पति पत्नी से कह रही है, पत्नी पति से कह रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, जिंदगी में बड़ा खुदा ने एक परिवार की जब स्थापना करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि दोनों अलग अलग रहे, अलग अलग सोचेंगे, अलग अलग करेंगे। और यहां खुदा का कलाम कह रहा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी एक बात के मिले, किसी एक बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में और उसके लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्या मैं और आप घुटनों पर आकर के बच्चों के साथ मिलकर के, पत्नी और पति के साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर से बात करते हैं? नहीं ना। क्या सुबह उठ करके आपने अपनी अपनी प्रार्थना कर ली, अपना वचन पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन क्या अपने ऑफिस जाने से पहले, अपने दैनिक कार्यों को करने से पहले, क्या आपने अपनी पत्नी के साथ आकर, क्या आपने अपने पति के साथ आकर घुटने टेके, परमेश्वर से बात की? नहीं की। मुश्किल है मेरे प्रिय लोग, आज हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं और परिवारों में ऐसी बातों पर अलगाव हो रहा है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सके। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, स्थिति बड़ी गंभीर है। खुदावंत का अनुग्रह मांगिए अपने परिवार के लिए, खुदावंत से अपनी विनती कीजिए कि खुदा तू हमें संभाल के रख। क्या हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस परिवार का मुखिया आप बन गए? मुखिया तो हम बन गए, हमने सोचा ही नहीं कि परमेश्वर को मुखिया बनाना है, उसका हेड बनाना है घर का। हेड तो हम खुद बने। क्या कभी पत्नी को आपने कहा कि मिलकर प्रार्थना करनी? क्यों परिवारों में टकराव हो रहा है, क्यों परिवारों में अलगाव हो रहा है? वो कारण यही है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना चाहते, परमेश्वर की संगति में नहीं आना चाहते। 20वां पद कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच होता। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के वायदे के लिए कि सच में आप कहते हैं कि 2 या 3, जैसे मैंने शुरू में इस बात को कहा, जी हाँ, हम जब 2 और 3 मिलकर के प्रार्थना करते हैं तो वहां परमेश्वर हमारे बीच में है। और इस समय परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, उसने अद्भुत प्रेम किया हमसे। जी हाँ, वो चिंता करता है हमारी। और उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। हालेलुया, जी हाँ, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरे और आपके बीच में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने इस छोटे से वचन में हमें समझाया है, क्योंकि जब पति और पत्नी मिलकर प्रार्थना नहीं करते, जब पति और पत्नी मिलकर अपनी संगति नहीं करते परमेश्वर के, इसीलिए तो रुकावटें आ रही हैं, इसीलिए तो परेशानी आ रही है। जी हाँ प्रियो, खुदा की उपस्थिति में
घुटनों में आ जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए और दोनों, ये नहीं अरे भाई पति साहब ने कह दिया नहीं मैं, तुम करो यार प्रार्थना, तुम लोग करो तुम्हारी प्रार्थना से सब कुछ। मैं अक्सर देखता हूँ इस बातों को, परिवारों में यही स्थिति है कि अरे अरे आप लोग प्रार्थना करो, बच्चों को लेकर प्रार्थना कर लो, हम बैठे हुए बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं मेरे प्रियो मेरे अजीजो, मिल के प्रार्थना करनी है परिवार के साथ, पति भी उसमें होना चाहिए, पत्नी भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं और आप अपने बच्चों का नमूना है। क्योंकि जब मैं और आप मिलके, पति और पत्नी मिलके प्रार्थना करेंगे तो आपके बच्चे भी देखेंगे, जब उनके परिवार बनेंगे, उनके जीवन में उनके साथी मिलेंगे तो वो भी अपने जीवन में वैसा ही करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो जान लीजिए, खुदा ने जो वायदा किया है उसने कहा जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे और जो कुछ तुम बांधोगे वो हो जाएगा, लेकिन एक शर्त यह है कि दोनों एक चित्त एक मन के होने चाहिए। आज बहुत कमी है कि दो व्यक्ति एक चित्त के एक मन के नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, टकराव आ रहे हैं। क्यों आ रहे है? इसी कारण से, क्योंकि परमेश्वर से वो प्रेम नहीं करते। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में नहीं होगा मेरे प्रियो, तो सच मानिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का प्रेम हम सब के बीच में होना बहुत आवश्यक है। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और आज एक विशेष प्रार्थना की जाएगी बच्चों के लिए। हम देख रहे हैं ना कि आज बुरी हालत है, हम लोग जितने लोगों को जानते हैं सबके घरों से सुनने में खबर आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो हमारे भाई बहनों के जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन बच्चों को जिससे खुदा बहुत मोहब्बत करता है, जिससे खुदा बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ये थर्ड वेव भी मान सकते हैं, इसे डेंगू भी लोग कह रहे हैं, लेकिन जो भी है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदावन, की एक बार फिर से प्रोग्राम आपके निकट आए खुदावन, आज के सुंदर कलाम के लिए जो पिता परमेश्वर आज आपने मत्ती 18 उसके 18-19 पद के द्वारा हमें सिखाया कि जो हम एक मन दो जन जब एक मन होकर पृथ्वी पर जो बांधते हैं वो स्वर्ग में बांधता है, और जब हम एक मन होकर पृथ्वी पर जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रोजी हम आपसे धन्यवाद देते इस बात के लिए खुदावन के आज वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें इस बात को सबसे पहले सिखाया कि एक मन होना है, हमें एक मन एक चित्त होकर हमें आपके सम्मुख आना पिता, तभी हमारी प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने तमाम अजीज भाई बहनों को पिता परमेश्वर अभी तक सुरक्षित रखा खुदावन, अपनी संगति में बुलाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक अपने उन तमाम भाई बहनों को जिन्हें पिता परमेश्वर हम रोजाना आपके साथ आपकी संगति में आकर पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन्द हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सभी भाई बहनों को सुरक्षित रखा है और आप में भला चंगा पाया, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से खुदावन्द आज के लिए पिता परमेश्वर, हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन्द तमाम बच्चों के लिए खुदावन्द ईश्वर राजा जो पिता परमेश्वर बुखार से पीड़ित है पिता, और जैसे कि प्रभु जी डॉक्टर्स डायग्नोस कर रहे हैं खुदावन्द ईश्वर राजा कि डेंगू फीवर है या वायरल है, लेकिन खुदावन्द जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से पिता परमेश्वर इस बीमारी को प्रभु उन बच्चों के शरीर से प्रभु जी निकल जाने का हुक्म देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन्द हरेक उन बच्चों को जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर इस दुनिया भर में खुदावन्द ईश्वर राजा बुखार से पीड़ित है पिता, हालेलुया, उस हाई फीवर से प्रभु जी पीड़ित है पिता, प्रभु जी आपके लहू के द्वारा शुद्ध करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी आपने उनको भी प्रभु जी उनके लिए भी पिता परमेश्वर कैलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया पिता, दाम देकर पिता परमेश्वर आपने उन सबको खरीद लिया पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियों को पिता परमेश्वर आपने अपने ऊपर ले लिया पिता। जिस प्रकार से हम माता पिता प्रभु जी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के जीवन में कोई भी कठिनाई आए कोई बीमारी आए, आप तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, तो आप कैसे चाहेंगे पिता परमेश्वर कि आपके बच्चों के जीवन में इस प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन प्रभु जी किसी ना किसी तरह पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर,
क्योंकि प्रभु जी आपने वचन में कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों को मानोगे तो एक भी बीमारी तुम पर ना आने पाएगी। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर बच्चों के जीवन पर क्लेम करते हैं खुदावर। हालेलुया। प्रभु राजा आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर वो चंगाई प्राप्त कर, विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं खुदावर ईश्वर राजा बेटी रिया को पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी बुखार से पीड़ित है पिता परमेश्वर, प्रभु बेटी पर दया करना पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उसे जल्द से जल्द चंगाई देना। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर भाई शाश्वत लाल के लिए जो रिया के पिता है खुदावन, जो अब तक पिता परमेश्वर एक हफ्ते 10 दिन से पिता परमेश्वर फीवर से पीड़ित थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, और उसका उत्तर पिता परमेश्वर आपने हाँ आमीन में दिया, और प्रभु आपने अपने बेटे को चंगाई प्रदान किया। धन्यवाद प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर बेटे एडी के लिए खुदावन, जो कि प्रभु जी आज ही हॉस्पिटलाइज हुआ खुदावन, उस छोटे बच्चे पर भी प्रभु जी आप दया करना पिता, उस पर अनुग्रह देना। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन ईश्वर राजा आप महान है खुदावन, आपके दया पिता परमेश्वर प्रभु जी अपरंपार है खुदावन, आपका अनुग्रह आप सब पर बना हुआ, हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर राजा हर एक पर प्रभु जी अपनी चंगाई देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह आप हम पर दया करना खुदावन, और इस बीमारी से पिता परमेश्वर हर एक को जिन्हें भी पिता परमेश्वर वायरल फीवर या डेंगू फीवर है खुदावन, जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई प्राप्त कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते जो ऐसी बीमारी में हताश निराश है खुदावन, हर एक को संभालना पिता, दया करना, सभी के पापों को क्षमा करना खुदावन, दया करना खुदावन, दया करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावन हमारे लिए भी पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी आपने हमें 3 दिनों से अपने सामर्थ्य से भरा है पिता परमेश्वर, इस वर्ल्ड कप में इस ऐसी परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ऐसी विपरीत परिस्थिति में प्रभु जी हम आपके कलाम को बांट पाए हैं, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी हरेक के साथ होना, हरेक पर दया करना, आज की रात्रि में पिता परमेश्वर हमें पैर मीठी नींद दीजिए, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर कल के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके भवन में जाकर आपके नाम को हम धन्यवाद करने वाले बन सके। हमारे इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल संडे का दिन है और कल भी 4 स्लॉट रहेंगे। 5 बजे पास्टर विनय जोसेफ जी जो मुरादाबाद से परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे, और 7 बजे रेवरेंड प्रिंस राणा जो बेंगलोर से हैं प्रभु के दास परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे, और 9 बजे ब्रदर हिमांशु रॉबिन जो मथुरा से हैं वो भी परमेश्वर के कलाम को हम सब के बीच में बांटेंगे, और 10 बजे डेली डिवोशन। आप सभी भाई बहनों को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और कल रात्रि 8 बजे प्रेज द लॉर्ड मथुरा का पेज है, और संदेश मिनिस्ट्री के नाम से उस पर मिसेस शबनम डेविड कल 8 से 9 प्रचार करेंगी, तो अगर आपको मौका मिलता है तो जरूर आप जुड़े उस आराधना संदेश मिनिस्ट्री, और आराधना संदेश मिनिस्ट्री जो 8 बजे का सेशन है, और प्रभु के उस चुनाव के द्वारा मैं प्रभु की सामर्थ्य से परमेश्वर कलाम को बांटने पाऊं, आप मुझे भी विशेष रूप से अपनी प्रार्थना में याद रखें, और हम अधिक से अधिक प्रभु के वचन में बने रहे। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।